नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। शुरुआत करते हैं खबरों की। बाड़मेर में हमरपुरा के रहने वाले जटिया समाज के एक वरिष्ठ जन ने देहदान करने का संकल्प लिया है और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इस दौरान वरिष्ठ जन ने बताया कि मृत्यु के बाद अगर शरीर किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। जटिया समाज के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम प्रकाश ने कहा कि देहदान करना एक पुण्य एवं सेवाभावी कार्य है। उन्होंने बताया आज राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जटिया समाज के एक व्यक्ति द्वारा देहदान करने का या बाड़मेर का दूसरा उदाहरण है। मैं समस्त जटिया समाज के लोगों को देहदान के लिए जागरूक करते हुए इस पूरे परिवार सहित को धन्यवाद देता हूं। हमने कुछ इतिहास पढ़े, कुछ ज्ञान पर बातें भी सीखी। ये जीवन इसलिए बना है कुछ करने के लिए, कुछ पढ़ना की आदत, ये सोचा जिएंगे तो जिएंगे ही है, लेकिन मरने के बाद भी लोग याद। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिजय जोशी है। मैं संरचना विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ और आज बिंजाराम जी ने अपनी देहदान की शपथ की घोषणा की है। यहाँ पे कार्यालय में उपस्थित होकर इन्होंने प्रमाण पत्र अपना प्राप्त किया है। तो इन्होंने 63वां देहदान जो है उसकी शपथ ली है। तो इसके लिए जो हमारा मेडिकल कॉलेज है और जो संरचना विभाग है, इनका तहे दिल से आभारी है। इनकी देहदान जो जब ये देहदान करेंगे तो इनके देह बाद में मरणोपरांत बच्चों के जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें काम आएगी और ये हमेशा हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर। मकर संक्रांति को लेकर राजस्थान सहित पूरे देश में उत्साह है। इस पर्व में पतंगबाजी का खास महत्व है, लेकिन पतंगों के मांझे में फंसकर कई पक्षी अपनी जान गंवा देती है। ऐसे में पक्षियों के इलाज के लिए शिवसेना और समाजसेवी संस्था आगे आई है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित डाक बंगले पर शिवसेना ने समाजसेवियों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान हेल्पलाइन नंबर जारी कर पोस्ट का विमोचन किया। बता चले इस दौरान सभी ने आम जनता से आह्वान किया कि बेजुबान पक्षियों को लेकर शहर में कहीं भी पतंग की डोरी से पक्षी घायल होते हैं तो कृपया हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। आज शिवसेना द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, पब्लिक को ये हमारा पशुपालन विभाग की तरफ से भी हम आश्वासन देते हैं कि जो भी घायल पक्षी होते हैं पतंग उड़ाने के दौरान, और एक निवेदन ये भी है सभी से कि सुबह या शाम के टाइम जब ज़्यादा पक्षियाँ अपने घर पे जाते हैं या बाहर जाते हैं उस टाइम अगर पतंग नहीं उड़ाए तो उसको घायल होने के चांस कम रहते हैं। और ये नंबर अपने दिए हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके घायल जो भी जानवर होता है या पक्षी होता है उनसे उसको अस्पताल पर ले जाएंगे। हमारे स्टाफ को भी हम वहाँ पर आपकी इसकी जो भी दवाई ज़रूरी होगी वो करने के लिए तैयार रहेंगे। और सभी समाजसेवी को सभी राजनीतिक दल के सहयोग से आज एक पोस्टर का विमोचन किया गया है जिसमें मकर संक्रांति के दिन मंजे से पतंग और मंजे से जो पक्षियों की इंजर्ड होते हैं, घायल हो जाते हैं, उनको हमारी टीम जाके फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वो जाके हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे, हम जाके वहाँ पर पक्षियों को और जो भी इंजर्ड होता है उनको हम लेके अपना इलाज करवा के और उनको ठीक। उधर अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने बताया कि उसकी बर्तन की फैक्ट्री है जहां चोरों ने ताल तोड़कर चांदी की कटोरी सहित कई बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ कर रही है। सर क्या मामला है जो आरोपी गिरफ्तार किया? दिनांक 26/11/2023 को श्री सुनील कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरा एक छोटा सा लघु उद्योग का कारखाना है जिसमें मैं दूध के नपाने, छोटी छोटी डब्बियाँ, आइसक्रीम के डब्बे आदि का बनाने का काम करता हूँ। उसमें दिनांक 21/11/2023 की रात्रि को कोई अज्ञात चोर मेरी फैक्ट्री का ताला तोड़कर उसमें से 7-8 कट्टे एल्युमिनियम के कच्चे सामान का चोरी कर ले गया, जिस पर मुकदमा नंबर 11/23 धारा 4/87 में कायम पर अनुसंधान किया गया। अलवर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एनईबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है दोनों शातिर चोर और मकानों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी
चोरी के मुकदमे में हमारे थाने का मुकदमा है 15/2024 457-380 चोरी के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया है। क्या नाम है सर आरोपी का? एक है सुहेल सनोप सुको जाति मेव उम्र 24 साल निवासी दाऊदपुर थाना है जी, और दूसरा है शौकीन उर्फ सैकुल पुत्र अकरम जाति मेव निवासी दाऊदपुर। ये अपना एनीवी हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड 1/147। हाँ घर में चोरी। हाँ माल बरामद कर लिया है कोतवाली पुलिस ने। डिडवाना के बलदेव राम मर्दा स्टेडियम में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह मनाया जाएगा। इस दौरान ध्वजारोहण होगा और सरकारी निजी विद्यालयों के विद्यार्थी परेड का प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आज डिडवाना के कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पूरे राजकीय सम्मान के साथ मनाने के दिशा निर्देश दिए। उधर चित्तौड़गढ़ जिले में भीलवाड़ा सेक्लेन पर श्रद्धालुओं की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके वजह से कार अनियंत्रित होकर पलट गई और ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने के बाद पीछे से आ रहे दो ट्रक और टकरा गए। इस हादसे में कार सवार एक मासूम बालिका की गंभीर चोट आई है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कचुमर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक रमेश खींची ने खेड़ली कस्बे का दौरा किया। इस दौरान विधायक रमेश खींची को चांदी के मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। इस मौके पर विधायक रमेश खींची ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कचुमर विधानसभा क्षेत्र एवं खेड़ी कस्बे के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, साथ ही समाज के हर वर्ग को साथ लेकर काम करूंगा। उधर अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रेलर लूट के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी किया गया ट्रेलर भी बरामद कर लिया। थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने अकबरपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जनवरी को वो ट्रेलर ट्रांसपोर्ट नगर से अकबरपुर माधोगढ़ होते हुए अपने गाँव लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे ट्रेलर छीन लिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 10 जनवरी को परिवादी सीताराम मीणा निवासी बल्लुवास थाना प्रतापगढ़ ने उपस्थित थाना होकर के FIR दर्ज करवाई की। दिनांक 8 जनवरी को हुआ है, अपने ट्रेलर को अलवर से माधोगढ़ होते हुए अपने गांव लेकर जा रहा था। माधोगढ़ पुलिया से आगे कुछ लोगों ने ट्रेलर को रुकवा कर ट्रेलर को छीन कर ले गए, ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसको भी ले गए, जिस पर FIR दर्ज की जाकर मुलजिमान गिरिराज प्रसाद मीणा निवासी झांकड़ी। बढ़ेंगे आगे, खबर भरतपुर से है, जहां SDM कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। SDM सुरेश हरसोलिया ने बताया कि कस्बा भुसावर में सामूहिक रूप से जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनाया जाएगा। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से सांस्कृतिक और देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खबर जोधपुर से है, जहां विश्नोई समाज OBC वर्ग में शामिल होने की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, पहले भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ न मिलने पर विश्नोई समाज आंदोलन करने की चेतावनी दे चुका है और अब पूर्व वन मंत्री सुखाराम विश्नोई और पूर्व विधायक किशन राम विश्नोई ने कहा कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में जोधपुर में एक बहुत बड़ी महापंचायत आयोजित होने जा रही है, जिसमें पूरे देश से विभिन्न समाज के लोग शिरकत कर केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। इस अवसर पर समाज के परसाराम विश्नोई, रामनिवास पुतनगर सहित कई नेता और प्रबुद्ध मौजूद रहे। विश्नोई जाति को कांग्रेस सरकार ने, जब राम सिंह जी मंत्री थे, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त 2002 में OBC में मान्यता दी थी। जाट विष्णु जाति किसान को हमें सबको OBC में लिया था। केंद्र में हमने दरखास्त की और वो उसकी सुनवाई भी हुई, परंतु फैसला नहीं हुआ। हमने जब किशन जी, हम जो तीन तो बीजेपी पांचों MLA CM साहब से मिले 3 साल पहले,
और वहाँ जो भारत सरकार से चिट्ठी आई थी कि आपकी इसे राजस्थान में ओबीसी में ले लिया, बिश्नोई को सेंटर में ओबीसी में लिया जाए नहीं लिया जाए अनुसूचना क्रम, तो 26/3/2021 को राजस्थान सरकार ने अनुसूचना कर दी कि इनको ओबीसी में लिया जाए। किसान कौम है, 99% लोग गांव में बसते हैं। अगली इस बात की दी गई है कि बिश्नोई जाति को भारत सरकार में की अनुसूची में शामिल करने के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए बिश्नोई समाज या बिश्नोई जाति लंबे समय से मांग कर रहा है। जैसे माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी ने फरमाया 1999 में जाट समाज को, बिश्नोई को राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग में अशोक गहलोत जी ने शामिल किया। बाद में जाट समाज कुछ जातियों को और भारत सरकार की अनुसूची में शामिल कर लिया गया ओबीसी में, लेकिन बिश्नोई जाति उसमें वंचित रही। उसके बाद में लगातार ये मांग की जा रही है कि बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में भारत सरकार के स्तर पर शामिल किया जाए। कई मंचों से, कई सरकारों के सामने कई बार मांग की गई। पिछले कालखंड में अशोक गहलोत जी के सरकार में हम सब ने, हमारे समाज के पांचों विधायकों ने, हम सब ने मांग की कि साहब भारत सरकार को इस संबंध में अनुसूचना की जाए, तो माननीय अशोक गहलोत जी ने हाथों हाथ उसकी अनुसूचना कर ली अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए। और हम सब ने निवेदन किया कि जाट समाज, जाट जाति और बिश्नोई जाति एक ही है। उन सब ने मान लिया कि पिछड़े तो हैं, मगर 2000 में जो NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उन्होंने एक जजमेंट दे दिया कि बिश्नोई इज नॉट कास्ट। जबकि मारवाड़ स्टेट टाइम जोधपुर स्टेट ने माना है कि बिश्नोई कास्ट मारवाड़ में है। उस टाइम राजस्थान के पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये माना है कि बिश्नोई कास्ट है और पिछड़ी कास्ट है, और 2000 में हमें राजस्थान में ओबीसी में लिया है, और फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि बिश्नोई इज नॉट कास्ट, पिछड़े हैं मगर कास्ट नहीं। मगर एक हास्यास्पद निर्णय। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां जिला सरपंच संघ ने जिला परिषद पहुंचकर सीईओ प्रतिभा वर्मा का स्वागत किया। इस दौरान पूरे जिले के सरपंच मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम सरपंच संघ जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में किया गया। जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि विश्वकर्मा योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सरपंच मौजूद थे। उसके बाद सभी सरपंचों ने जिला परिषद कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त जिला परिषद सीईओ का स्वागत और अभिनंदन किया। सरपंचों ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसको लेकर सरपंचों में भारी रोष है, क्योंकि सरपंचों का काम नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा अगर सरपंचों की टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आज हमारा प्रोग्राम था विश्वकर्मा योजना को लेके था, जो जिले में कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें पूरे जिले के सरपंच आए हैं, और वहाँ हमारा लंच होने के बाद जिला परिषद में सभी सरपंचों ने आके माननीय सीईओ मैडम का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है कि जो हमारे यहाँ 3 दिन पहले उन्होंने कार्य ग्रहण किया उसके स्वागत बेला का कार्यक्रम था। क्या डिमांड सरपंचों की रहती है, किस तरह की चेंज चाहते हैं इसमें से कि काम? इस टाइम तो सरपंचों की जो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो टेंडर प्रक्रिया जो इन्होंने रोकी हुई है भाजपा सरकार ने, उसको लेके सरपंचों में बहुत ज़्यादा विरोध है। कार्य हमारे रुके हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर इन्होंने टेंडर प्रक्रिया नहीं खोली तो। अलवर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहाँ कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति से मारपीट कर जबरन बुलेरो गाड़ी छीन ली, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराने गया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार और गाड़ी को बरामद करने की मांग की है। ये सर मैं गांव से बारात में गए थे साडोली से डहर वाला पास से उड़की। अच्छा। उड़की से वापिस आ रहे थे गोविंदगढ़ बाजार में रामगढ़ मोड़ पर पिकअप लेके आए 10-15 लोग और बोलोरो गाड़ी को छीन कर ले गए। मेरे साथ लिया दीदी की थी। अच्छा। कुछ उनमें डहर वाले के भी थे। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फोन किया था, थाने में आ गई थी पुलिस। अब मुझे 4 दिन हो गए थाने पे जाते जाते, FIR दर्ज नहीं कर रहे मेरे।
सीएम भजनलाल शर्मा 14 जनवरी को आसन जिले के कालियावास ग्राम पंचायत का दौरा करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का निरीक्षण करेंगे। सीएम के दौरे से पहले प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों में जुटे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, उपखंड अधिकारी संजीव केदार, तहसीलदार भवरलाल सेन सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अभी 14 तारीख को सीएम साहब को प्रस्तावित दौरा है और उसी संबंध में आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने यहाँ पे विजिट की थी है, जगह वगैरह कहाँ पे टेंट वगैरह लगेगा, कहाँ हेलीपैड वगैरह, तो जो भी प्राइमरी तैयारियां हैं इनके संबंध में आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने जो की थी। सहारनपुर में IIA केंद्रीय कार्यालय संस्था के समस्त चैप्टरों में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस क्रम में चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस IIA कार्यालय में की गई है। चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है, विगत अनेक वर्षों से प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की मांग सरकार से उठाता आ रहा है। इसका कारण यह है कि यूपी सीडी और उद्योग निदेशालय द्वारा उद्यमियों को दी गई लीड होल्ड भूमि पर यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना है, बैंक लिमिट में बदलाव करना है, उम्र ढलने के बाद अपने खूनी रिश्ते से उद्योग को हस्तगत करना है, उद्योग की भूमि एवं भवन किराए पर दोनों हो, अथवा भूमि का इमिग्रेशन सर्प्रेशन करना हो, इसको लेकर अनिवार्य बताया गया है। सबका स्टार्ट हो गया। खन्ना, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। हमें ये सेंट्रल ऑफिस से निर्देश हुए हैं कि हम नजूल भूमि पर पूरे प्रदेश में आज एक साथ पूरे जब सभी जनपदों में प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जो ये लीज होल्ड की भूमि है उसको फ्री होल्ड किया जाए। इसका एक ज्ञापन जो है वो 4 दिन के लिए जितने सहारनपुर के मंत्री, विधायक या प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबको दिया जाएगा। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां हथियारों ने 12 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बच्चे को निर्माणाधीन मकान में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल दिनांक 11 जनवरी 2024 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली थाना अंतर्गत नदरई क्षेत्र में आर्यावर्त बैंक के थोड़ा आगे एक अधबने मकान की क्षतिग्रस्त सीढ़ियों पर एक करीब 13 वर्षीय बालक हिमांशु का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज, क्षेत्राधिकारी नगर और उच्चाधिकारीगढ़ के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतक है बालक, उसके शव का जो चोटें हैं उनका सूक्ष्म परीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट को बुलाकर जो भौतिक प्रदर्शन है वो कलेक्ट किए गए। मृतक बालक के दादा की तरफ से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।